तो यार आप लोग देख सकते हो सारी सब्जियां अच्छे से मक्खन में सिकी जा रही हैं। आप देख सकते हो फायर कितनी बड़ी आ रही है, मक्खन में सारी सब्जियां सिक रही हैं। फायर देखिए, किसी का भी मन कर जाए मैगी खाने का, मैगी को क्रंच करा जा रहा है यहाँ पे, अच्छी तरीके से क्रंच करा जा रहा है। आप लोग देख सकते हो कितनी बड़ी लग रही है टेस्टी मैगी, किसी का भी खाने का मन कर जाए। गुप्ता जी की कुटिया की मैगी मेरठ में, मैगी देखिए कितनी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है यार, मेरा मन कर रहा है खाने का इसको। तो यार फाइनली सब्सक्राइबर्स, आपने हमें कमेंट में भेजा था कि आपको गुप्ता जी की मैगी की कुटिया की वीडियो देखनी है, तो आपकी रिकमेंडेशन पे आज हम लोग पहुंच चुके हैं मेरठ में 161 बटे सिविल लाइन्स। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मेरे जो राइट हैंड साइड पे ये जो पूरी रोड जा रही है, ये वाली जो पूरी रोड जा रही है आगे तक, ये कचहरी सिविल लाइन्स तक जा रही है, और वहाँ हम आए हैं आज गुप्ता जी की कुटिया। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर बोर्ड लग रहा है गुप्ता जी की कुटिया, न्यू कुटिया। हम आए हैं गुप्ता जी की कुटिया मैगी पे, मैगी खाने के लिए। जैसे टॉम अंकल की मैगी फेमस है दिल्ली में, ऐसी गुप्ता जी की कुटिया फेमस है मेरठ में मैगी के लिए। आइए अब देखते हैं, अंदर चलते हैं कि इनकी मैगी कैसी है। आइए मेरे साथ, आइए आइए चलिए देखते हैं मैगी की प्रिपरेशन गुप्ता जी की कुटिया मेरठ में। तो भैया क्या बना रहे हो आप यहाँ पे आज? मैगी बन रही है भैया। कौन सी मैगी बना रहे हो भैया? वेजिटेबल बन रही है। तो ये कौन सा मक्खन डाला भैया आपने? अमूल बटर। तो आप देखते हो यहाँ पे अमूल मक्खन डाला भैया ने। कौन सी मैगी के लिए डाल रहे हो भैया? वेजिटेबल। तो आप देखते हो यहाँ पे गुप्ता जी कुटिया में यहाँ पे मैगी बनाई जा रही है। सब्जी डाल रहे हो? प्याज आ गई, ऑनियन आ गई, टमाटो आ गए। तो आप देखते हो यार यहाँ पे मैगी बनाई जा रही है गुप्ता जी कुटिया में। इन्होंने पहले उससे पहले सारी वेजिटेबल्स डाल दी है। तो आप देख सकते हो उसमें कितनी बढ़िया फ्लेम आ रही है, बस सोचिए खाने में कितनी ज़्यादा फेमस और टेस्टी होगी गुप्ता जी कुटिया की मैगी मेरठ में। आप देखो इन्होंने सारी सब्जियों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। मतलब कि इन्होंने पहले मक्खन डाला, मक्खन में सारी सब्जियों को बनाया अच्छी तरीके से भुना, फिर उसमें उन्होंने थोड़ा पानी दिया, उसको पानी को डालते हैं मैगी में वैसे। भैया इससे फुलाने के लिए, उबालने के लिए अच्छा अच्छा फुलाने और मतलब फुलाने का अच्छी रहती है। तो आप देखते हो इन्होंने मैगी में पानी डाला अच्छे से, काटने के बाद उस मसाले को डाल रहे हैं अच्छी तरीके से हमारे फिलिंग में। आप देखते हो कि इन्होंने अच्छी तरीके से मसाला डाल दिया। अभी मैगी मसाला डाला आपने, ये आप अपना मसाला भी डालते हो उसमें? हाँ जी अपना सीक्रेट मसाला डालते हो। तो आप देख सकते हो मैं बता दूँगा जो ये कौन सी आपका सीक्रेट मसाला भी दिखाई दे रहा है। क्वान्टिटी में बनता है 1 किलो। तो आप देखते हो इनका सीक्रेट मसाला है, ये मैगी में डाल रहे हैं, इनका ही बना हुआ मसाला है ये मैगी आ रही है। तो आप देखते हो ये क्या क्रंच कर रहे हो भैया मैगी? तो आप देखते हो यहाँ पे मैगी क्रंच कर जा रही है, गरम गरम मैगी बन रही है। आप इसी कलर से देखिए कितनी बड़ी लग रही है मैगी की प्रेजेंटेशन। मैगी में सारी सब्जियां, अमूल बटर, नूडल्स अच्छी तरीके से सिक चुके हैं। किसी का भी खाने का मन कर जाए गुप्ता जी की कुटिया की मैगी मेरठ में। आइए अब और लोगों से पूछते हैं कि वो गुप्ता जी की कुटिया की मैगी कितने टाइम से खा रहे हैं, उन्हें मैगी में ऐसा क्या बड़ा लगता है कि उतना टाइम से खा रहे हैं। भैया अपना नाम बताइए। भैया मेरा नाम है आर्यन, मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो आर्यन जी आप मुझे बताइए कि आप जो मैगी है वो हम आराम से घर पर बना के खा सकते हैं, तो आप फिर बाहर क्यों आ रहे हो मैगी खाने? बाहर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हर टाइम तो घर नहीं जा सकता मैगी खाने के लिए। अच्छा अच्छा, है ना। एक ही ऐसा पॉइंट है यहाँ पे हम फ्रेंड्स आते हैं काफ़ी टाइम से, स्कूल के टाइम से भी आते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ आप तो कहने का मतलब यही है कि ये अच्छी जगह है हैंग आउट करने के लिए लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। हाँ, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने के लिए, चाय पीने के लिए, मैगी खाने के लिए। अच्छा अच्छा, बेस्ट है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि टेस्ट कैसा लगा आपको यहाँ की मैगी का? अल्टीमेट आपको घर वाली आपने मैगी खाते हो और आप बाहर की गुप्ता जी की मैगी खा रहे हो, तो उसमें फ़र्क क्या लग रहा है आप दोनों को ये बताइए? फ़र्क कुछ नहीं है, बस डिफरेंस ये है घर पर हम नॉर्मल मैगी खाते हैं, यहाँ बटर मैगी है। अच्छा, इनकी स्पेशलिटी है बटर मैगी की। अच्छा, फेमस है यहाँ की, ज़रूर खाने चाहिए। अच्छा, आप कितने, आपको कितना टाइम हो गया खाते खाते? मुझे अप्रॉक्स 7 साल हो गए हैं स्कूल के टाइम से। यार आप देख सकते हो भैया को 7 साल से आ रहे हैं मैगी खाने, इस बात से सोचिए मेरठ की गुप्ता जी की कुटिया की मैगी कितनी फेमस होगी। मैंने आपको टॉम अंकल की मैगी भी दिखाई थी दिल्ली में, ऐसी ही बढ़िया मैगी मेरठ में मिल रही है यहाँ पे गुप्ता जी की कुटिया में। आइए अब मैं टेस्टिंग करता हूँ, आपको बताता हूँ कि गुप्ता जी की कुटिया की मैगी मेरठ में कैसी है और आप लोगों को कैसी लगेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्टिंग मैगी की। गुप्ता जी की कुटिया की मैगी मेरे पास आ चुकी है, अब मैं इसकी टेस्टिंग करूँगा और आपको बताऊँगा कि गुप्ता जी की कुटिया की मैगी कैसे है। आइए मेरे साथ, इधर आइए आइए। तो यार आप लोग देख सकते हो कि ये जो गुप्ता जी की कुटिया की मैगी है, इस गुप्ता जी की कुटिया की वेज मैगी में इन्होंने मुझको अमूल मक्खन डाल के दिया है। अमूल मक्खन डालने के बाद इन्होंने इसमें पनीर के क्यूब्स डाले हैं, इसमें बहुत सारी वेजिटेबल मिक्स हैं। अब मैं इसकी टेस्टिंग करूँगा, अब मैं इसकी टेस्टिंग करूँगा कि गुप्ता जी की कुटिया की मैगी कैसी है और आपको बताऊँगा कि इनकी मैगी में ऐसा क्या है कि जो मेरठ वाले लोगों को बहुत पसंद आता है, और मेरठ के लोग जो हैं वो अपने घर में तो मैगी खाते ही हैं, प्लस वो गुप्ता जी की कुटिया की मैगी खाने आते हैं बहुत दूर से। जैसे कि दिल्ली में टॉम अंकल की मैगी फेमस है, ऐसे मेरठ में गुप्ता जी की कुटिया की मैगी फेमस है। हमें खाते हैं और बताता हूँ कैसी है मैगी। आइए मेरे साथ, अब ये बहुत गर्म है और आपको बताऊँगा किसी मैगी का कैसी मैगी है मेरठ में गुप्ता जी की कुटिया वालों की। मैं आपको बता दूँ कि मैगी का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, जो हम घर में मैगी बनाते हैं उससे इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो अच्छे से मिक्सअप हो चुकी हैं, अमूल मक्खन अच्छे से गिर चुका है,
वेजिटेबल सारी मिक्स हो चुकी हैं। जैसा कि इन्होंने मुझे बताया था कि ये ना घर का मसाला डालते हैं अपना, वो मसाला का जवाब ही नहीं, इतना टेस्टी मसाला है वो जो ये अपने घर में खुद बनाते हैं। मैगी का टेस्ट बिल्कुल अलग है। कभी मेरठ आते हो तो गुप्ता जी कुटे की मैगी ज़रूर खाना, बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। 5 तरीके की मैगी इन पर मेरठ की। और फर्दर फूड लवर्स, आपके ही कहने पर मैंने गुप्ता जी की कुटिया की वीडियोज़ बना दी है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो आप सब सब्सक्राइबर्स की डिमांड पर मैंने गुप्ता जी की कुटिया मेरठ में वीडियोज़ बना दी है। अब आप मुझे फर्दर रिकमेंड कीजिए और कौन कौन सी फूड हब्स हैं जो कि आप चाहते हो जिनको मैं जाके कवर करूँ मेरठ या मेरठ के बाहर। तो यार आई होप करते हैं गुप्ता जी की कुटिया के ओनर से, नई कुटिया की, गुप्ता जी की नई कुटिया के ओनर से, कि वो गुप्ता जी की कुटिया का नाम कहाँ से पड़ा। भैया नाम बताइए कि गुप्ता जी की कुटिया का नाम कहाँ से पड़ा। ये पहले एक छोटा कस्बा था, एक कुटिया थी यहाँ पे, जिसमें चाय बनती थी। फिर नाम बड़ा होता गया होता गया होता गया, बट चौराहे का नाम कुटिया। आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम अनुभव गुप्ता है। अनुभव, तो अनुभव जी ये बताइए, दिल्ली में, दिल्ली में टॉम अंकल की मैगी बहुत फेमस है, उन पे सारे यंगस्टर्स, कॉलेज स्टूडेंट, प्रोफेशनल्स आते हैं मैगी खाने के लिए। और ऐसे ही मेरठ में, दिल्ली के पास है, वहाँ यहाँ पे गुप्ता जी की कुटिया मैगी वाले, तो दोनों में कुछ बातें सेम है या नहीं। नहीं, हमारी मैगी जो है वो स्पेशल होती है, हमारे जो होते हैं, हमारा जो सीक्रेट मसाला होता है। अच्छा अच्छा। वो हम 10 तरह के मसाले मिलाकर बनाते हैं। अच्छा अच्छा। अपना घर में भी मिक्स बनाते हैं और जब बाहर से आता है वो भी मिक्स बनाते हैं। तो आप बताइए, कोविड फैल रहा है, उसके लिए क्या प्रिकॉशन है। मास्क है, सैनिटाइज़र है, और वैक्सीनेटेड फुल है, सारे जितने वर्कर हैं सब वो वैक्सीनेटेड फुल हैं, किसी भी तरह की लापरवाही। तो आप बताइए कितने तरह की मैगी यहाँ पे भैया। मैगी भैया 5 तरह की हैं। नाम बता दीजिए भैया। प्लेन मैगी है, वेजिटेबल मैगी है, एग मैगी है, चीज़ मैगी है, और पनीर मैगी है। तो मैगी के अलावा भी आप कुछ रखते हो भैया। हाँ, बहुत सारा आइटम है, बंद मक्खन है, सैंडविच है, बर्गर है, टोस्ट है, और ब्रेड पकौड़े हैं, पकौड़ियाँ हैं, बहुत आइटम है। तो यार आप लोग कह सकते हो कि इन पर कितनी तरीके की मैगी है और ये कितने तरीके से बहुत अच्छे से मैगी बनाते हैं। जैसे दिल्ली में टॉम अंकल की मैगी फेमस है, ऐसी मेरठ में गुप्ता जी की कुटिया की नई वाली की मैगी बहुत फेमस है। कभी मेरठ आते हो तो ज़रूर ट्राई करिए इनकी मैगी। तो पूछते हैं कि गुप्ता जी की कुटिया की मैगी कितने टाइम से खा रहे हैं। भैया अपना नाम बताइए। मेरा नाम अयान है, अयान तिवारी। तो अयान जी ये बताइए कि आप गुप्ता जी की कुटिया की मैगी कितने टाइम से खा रहे हैं। अभी जब लॉकडाउन से पहले जब हम लोग की कोचिंग क्लास यहाँ पर होती थी। अच्छा अच्छा। तो मुझे एक दोस्त यहाँ पर लाया था। अच्छा अच्छा। यहाँ की मैगी में ऐसा कुछ मैं कहूँ कि टेस्ट में कुछ ऐसा खास नहीं है, लेकिन जो यहाँ की वाइब है ना, मतलब एक तरीके से जब आप कसौल में जाते हो वहाँ की आप वाइब देखते हो, जैसे आपने दिल्ली में टॉम अंकल की मैगी खाई होगी, तो अगर वो आप घर में खाओ ऐसे कोई आपको। तो आप ये बताइए मुझे, बेसिकली आप ये बताइए, देखिए दिल्ली में टॉम अंकल की मैगी बहुत ज़्यादा फेमस है। हाँ। दिल्ली के पास पड़ता है हमारा मेरठ। हाँ। और दिल्ली एक बहुत पॉपुलर हब है यंगस्टर्स के लिए। हाँ। टॉम मैगी स्पेशली, और एक गुप्ता जी की कुटिया भी एक वैसी एक काइंड ऑफ हब है मेरठ वालों के लिए। तो आप क्या कहना चाहते हो दिल्ली के उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी के, कि जो भी जना दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके मैगी खा रहा है वो कभी मेरठ आता है तो गुप्ता जी की मैगी क्यों ट्राई करे, क्या कुछ सेम है उसमें। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ की वाइब जो है सेम है, क्योंकि जैसे वहाँ पर कॉलेज के पास जो बच्चे होते आते हैं वहाँ पर, यहाँ भी काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जहाँ से बच्चे यहाँ पर आते हैं, तो उनको वाइब दिल्ली वाली ही मिलेगी यहाँ पर आकर। अब बीन अ कोविड सिचुएशन, ठीक है, बीन अ कोविड सिचुएशन, वी नो दैट द कंडीशन इज नॉट गुड, द वायरस इज स्प्रेडिंग एट अ लार्ज स्केल, सो व्हाट यू वांट टू से टू अदर पीपल, व्हाई दे विल कम हियर एंड व्हाई दे विल ईट मैगी इन कोविड इन्फेक्शन, बिकॉज वी नो दैट कोविड इज अ बिग मेस। So how we can deal with in eating with COVID also? What precautions are you taking? Any topic you want to discuss with the public? I think you should sanitize your hands. Okay. And you should wait for it. And I think you should wait for the sanitizer to settle on your hands. And keep your mask on. Okay.